हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है एपिसाइक्लॉइड। आज के लेक्चर में हमें स्टडी करना है हाउ टू ड्रॉ एन एपिसाइक्लॉइड। ऑलरेडी हमने इसके पहले साइक्लॉइड स्टडी किए हैं। अगर आप लोगों ने साइक्लॉइड का वीडियो अगर हमारा नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिए और उसको स्टडी करिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप उसको स्टडी करिए। और आज हमें कवरअप करना है एपिसाइक्लॉइड, तो आइए देखते हैं एपिसाइक्लॉइड। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल टिकलेज एकेडमी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस करेंगे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर। आज हमें पढ़ना है हाउ टू ड्रॉ एपिसाइक्लॉइड। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन क्या रहेगा एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ करने के लिए वो देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये आपके सामने कुछ ऐसा रहेगा। ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर विच रोल्स ऑन अनदर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 75 mm फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। नेम द कर्व। ये क्वेश्चन पढ़ के हमें इतना तो समझ में आया है कि यहाँ पे दो सर्कल की बात हो रही है। एक सर्कल जो वो 50 mm डायमीटर का बोल रहा है और दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 75 mm दिया है। तो आइए देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया है, सर्कल का डायमीटर दिया है उसने 50। तो ये सर्कल का डायमीटर 50 mm का उसने दिया है। क्वेश्चन में लिखा है कि ये 50 mm डायमीटर का सर्कल है और ये सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर रोल करने वाला है और इसका रेडियस दिया है, दूसरे बड़े सर्कल का रेडियस दिया है 75 mm। तो इसका रेडियस दिया है 75 mm का रेडियस है और ये सर्कल ये बड़े सर्कल के ऊपर रोल करने वाला है। इट मीन्स ये ऐसा एक पूरा चक्कर करने वाला है फॉर वन रिवॉल्यूशन। और ये सर्कल के ऊपर कहीं पे भी हम एक पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P जो है यहाँ पे जब ये रोल करेगा तब ये पॉइंट का पोजीशन हमें उसके पाथ को हमें ट्रेस करते हुए एक कर्व ड्रॉ करना है। जो कर्व ड्रॉ होगा वो हमारा साइक्लॉइड होगा, तो हमें ये ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं ये कैसे ड्रॉ होता है। तो ये ड्रॉ करना सिंपल है। सबसे पहले तो कुछ बातें बताना चाहेंगे। ये जो छोटा सर्कल आपको दिख रहा है ये सर्कल जो बड़े सर्कल के ऊपर रोल कर रहा है ये सर्कल को कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज रोलिंग सर्कल। ये छोटे सर्कल को कहते हैं रोलिंग सर्कल और जनरेटिंग सर्कल। और ये सर्कल ये बड़े सर्कल के ऊपर रोल कर रहा है तो ये बड़े सर्कल को कहते हैं बेस सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और कैसे ये एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ होता है। आइए देखते हैं। फार्मूला ऐसा है, थीटा इक्वल्स टू आर बाय आर इंटू 360। ये फार्मूले का यूज करके आप पता कर सकते हैं कि रोलिंग सर्कल वन रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना एंगल यूज करेगा। तो हम ये यहां से निकाल सकते हैं। तो आर मीन्स रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल एंड कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ बेस सर्कल। तो आइए देखते हैं, रोलिंग सर्कल का रेडियस है 25 एंड जो बेस सर्कल है उसका रेडियस है दैट इज 75। जो रोलिंग सर्कल दिया है उसका क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तो डायमीटर जो 50 mm दिया है उसका हाफ 25 डिवाइडेड बाय 75, ये हो गया स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इनटू 360। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 120 डिग्री। सो थीटा मिल चुका है 120 डिग्री। इट मीन्स रोलिंग सर्कल को वन रिवॉल्यूशन पूरा करने में 120 डिग्री इतना एंगल यूज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं फाइनली एपिसाइक्लॉइड कैसे ड्रॉ होता है। तो एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो बेस लाइन ये हम यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे। तो ये हमने पॉइंट लिए और यहाँ पे बेस लाइन हमने ड्रॉ कर लिए। कितना भी लंबा ड्रॉ करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेस लाइन ड्रॉ होने के बाद आप क्या करेंगे, 120 डिग्री जो आपने एंगल फाइंड आउट करे वो आप एंगल लेंगे यहाँ पे। और एंगल के लिए आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। बाय यूजिंग प्रोटेक्टर आप 120 डिग्री का एंगल लेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे आप प्रोटेक्टर और आप 120 डिग्री का एंगल इधर से काउंट करो। तो यहाँ से काउंट करने पर 120 डिग्री का एंगल यहाँ आता है और यहाँ से हम लाइन बनाएंगे। इतना होने के बाद जो बेस सर्कल है जो डायरेक्टिंग सर्कल है उसका रेडियस कंपास में लेंगे।
बेस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है दैट इज 75 mm, तो कंपास में 75 mm का आप लेंथ ले लेंगे और 75 mm का लेंथ लेके यहाँ पे रखेंगे आप, सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे और आप यहाँ पे रख के 75 mm आपने लेंथ ली है और 75 लेंथ लेके ऐसा आर्क बनाएंगे। तो फाइनली हमने क्या क्या किए, 120 डिग्री का जो एंगल दिया था वो हमने यहाँ 120 डिग्री का एंगल लिए, तो ये हम मार्क करेंगे 120 डिग्री और ओ से लेके यहाँ तक ये हमने 75 mm का जो डायरेक्टिंग सर्कल का जो बेस सर्कल का जो रेडियस दिया था वो हमने लिए और 75 mm का हमने ये आर्क बनाया। ये जो हमने बनाया ये हमने वो सर्कुलर पाथ बनाया जो क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि सर्कुलर पाथ के ऊपर छोटा जो सर्कल है जो जनरेटिंग सर्कल है वो रोल करने वाला है, तो ये हमने सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लिए और ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है 75 mm, तो ये इस तरह से बनाए। अब क्या करो, अब इतना होने के बाद हम जनरेटिंग सर्कल बनाएंगे यानी ही रोलिंग सर्कल बनाएंगे, वो यहाँ से रोल करना स्टार्ट करेगा, वो यहाँ से रोल करना स्टार्ट करेगा और वन रिवॉल्यूशन पूरा करेगा यहाँ तक। तो अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो जनरेटिंग सर्कल का डायमीटर है वो आप मार्क करेंगे, जनरेटिंग सर्कल का डायमीटर दिया 50 mm, तो आप क्या करो यहाँ से लेके यहाँ तक 50 mm आप ले लेंगे, तो ये हमने ले लिए 50 mm, ये हमने ले लिए 50 mm और 50 mm का सेंटर ले लेंगे, तो ये सर्कल का सेंटर आ गया सेंटर सी। और अब कंपास लेंगे, कंपास में ये इतना हाफ डिस्टेंस कंपास में लेंगे और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमने जनरेटिंग सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, ये जो सर्कल है ये है जनरेटिंग सर्कल, इट मीन्स यही है हमारा रोलिंग सर्कल और ये जो सर्कुलर पाथ है इसको कहते हैं बेस सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल। और अब ये सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करो, कितने पार्ट में डिवाइड करना ये चॉइस आपकी होती है, या तो 12 पार्ट में डिवाइड करो या तो 8 पार्ट में डिवाइड करो, बिल्कुल चॉइस आपकी होती है। अगर आपको 12 पार्ट में डिवाइड करना है तो देखो क्या करेंगे, ये सेंटर पे ये प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे और यहाँ पे सबसे पहले इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से ये पहले 4 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, अब ये सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इतना होने के बाद कंपास लेंगे, कंपास में अब कंपास में इसका रेडियस लेंगे और रेडियस लेके देखो इतना हमने इसका रेडियस लिए और ये लेंथ लेके आप यहाँ रखेंगे, इधर कट करो इधर कट करो, उतना ही लेंथ आप यहाँ रखेंगे, इधर कट करो इधर कट करो, उतना ही लेंथ आप यहाँ रखो, ऊपर कट करो नीचे कट करो, उतना ही लेंथ आप यहाँ रखो, इधर कट करो इधर कट करो। तो फाइनली ये सर्कल हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अगर आपको कंपास का यूज़ करके डिवाइड नहीं करना है तो आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से अगर आपको डिवाइड करना है तो 30-30 डिग्री का एंगल लेके आप सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो इसी प्रोटेक्टर का यूज़ करो और 45-45 डिग्री का यूज़ करके आप उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चॉइस पूरा आपका है। तो ये देखिए हमने इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, यहाँ पे ये जो सर्कुलर पाथ के कॉन्टैक्ट में ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे पॉइंट पी, और यही से क्लॉकवाइज नेमिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये लास्ट में 12। तो यहाँ पे पॉइंट पी है, पॉइंट पी से क्लॉकवाइज नेमिंग हमेशा स्टार्ट करना है। जब भी आपको ईपी साइक्लॉइड ड्रॉ करना है तो ईपी साइक्लॉइड ड्रॉ करते समय हमेशा जहाँ पे पॉइंट पी रहेगा वहीं से आपको क्लॉकवाइज नेमिंग स्टार्ट करना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो सर्कल है ये ऐसा क्लॉकवाइज रोल करने वाला है, ऐसा क्लॉकवाइज रोल करने वाला है, इसलिए पॉइंट वन जो है वो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इस तरह से। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, जो कि आपने ये जनरेटिंग सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये जो सर्कल रोल कर रहा है इसको आपने 12 पार्ट में डिवाइड किए, तो ये एंगल जो 120 डिग्री है इसको भी आप 12 पार्ट में डिवाइड करो, तो इसको 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 120 डिवाइडेड बाय 12 करो तो आएगा 10 डिग्री और 10-10 डिग्री का एंगल आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके लेंगे और इसको भी आप 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे सर्कल जितने पार्ट में डिवाइड रहेगा उतने ही पार्ट में आपको ये एंगल डिवाइड करना है, अगर सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप एंगल भी 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो आइए देखते हैं
120 को 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, प्रोटेक्टर यहां रखेंगे और 120 डिग्री को 10-10 डिग्री के हिसाब से डिवाइड करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90, 100, देन 110, देन 120, ठीक है। इतना होने के बाद आप लाइंस ड्रॉ करेंगे यहां से पूरे आखिरी तक, तो ये 10 डिग्री की लाइन, ये 20 डिग्री की लाइन, इसको आप इरेज कर लेंगे, इसका काम हो गया है फिलहाल, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। देन ये 30 डिग्री की लाइन, देन 40 डिग्री की लाइन, 50 डिग्री की लाइन, 60 डिग्री की लाइन, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री एंड ये 120 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये 120 डिग्री जो एंगल था इसको हमने 12 पार्ट में डिवाइड किए, रीजन वही, बिकॉज हमने सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड किए थे इसलिए इसको भी 12 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करते तो ये आप एंगल भी 8 पार्ट में डिवाइड करते। अब हमें आगे क्या करना है, ये जो हमारा रोलिंग सर्कल है, ये जो जनरेटिंग सर्कल है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी पॉइंट से, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है पॉइंट पी, यहाँ से आपने एक कर्व आपको दिख रहा है, उसी तरह से 1 और 11 इसका भी एक कर्व जाएगा, ये 2 और 10 का भी कर्व जाएगा, 3 और 9 का भी कर्व जाएगा, तो इस तरह से आपको करना है। तो आइए देखते हैं, उसके लिए आप कंपास लेंगे और कंपास का यूज करके आप ड्रॉ करेंगे। तो कंपास लेंगे, कंपास में आप क्या करेंगे, ओ से लेके ये 1 तक का लेंथ लेंगे और 1 का कर्व ड्रॉ करेंगे। तो जब आप 1 का कर्व ड्रॉ कर रहे तो एक बात ध्यान में रखना, ये 11 से होते हुए जाएगा, तो ये इस तरह से, ये देखिए। देन जब आप ओ से लेके 2 का लेंथ लेंगे, ओ के ऊपर आप इसको रखना, ओ से लेके 2 का लेंथ आपने लिए, ओ के ऊपर रखो और ओ से आप कर्व बनाओ इस तरह से, ठीक है। तो जब आप ये 2 का ये जो कर्व जाएगा ये 10 से होते हुए जाएगा, ये देखिए ये जो 2 का कर्व है ये 10 से होते हुए जाएगा, देन ये 3 का कर्व 9 से होते हुए जाएगा, तो ये 3 का आर्क है। देन आफ्टर 4 और 8 ये दोनों एक ही आर्क में से होके जाएंगे, देन ये 5 एंड 7 की बारी, ये भी दोनों एक ही आर्क से होते हुए जाएंगे, एंड देन लास्ट ये 6 का आर्क। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो सेंटर है, ये जो सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर का भी आप आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ओ से लेके सेंटर तक का लेंथ लेंगे, ओ से लेके सेंटर तक का लेंथ लेंगे और ओ के ऊपर रख के ये सेंटर का भी एक आर्क बनाएंगे, तो ये सेंटर का आर्क ये देखिए, प्रॉपरली चेक करो, ये जब आपने सेंटर का आर्क बनाया तो ये सेंटर का ये जो लाइन है ये 12 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो ये देखिए ये फर्स्ट लाइन के ऊपर ये आ गया सेंटर का फर्स्ट पार्ट C1, देन यहाँ पे आ गया C2, देन यहाँ पे है C3, देन C4, सभी को नेमिंग दे देना है, C5, देन ये C6, देन C7, देन C8, देन C9, देन C10, देन C11 और लास्ट में ये C12। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सेंटर लाइन को भी 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो फाइनली एपी साइक्लॉयड ड्रॉ करने के लिए जो भी कर्व हमें ड्रॉ करने थे, आर्क ड्रॉ करने थे, जो भी हमें डिवाइड करना था, वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है और अब हमें एपी साइक्लॉयड के पॉइंट्स मार्क करना है। तो आइए देखते हैं कैसे पॉइंट्स मार्क करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करना क्योंकि एपी साइक्लॉयड के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ड्रॉ होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास में रोलिंग सर्कल का रेडियस लेंगे, दैट इज जनरेटिंग सर्कल का रेडियस लेंगे, जनरेटिंग सर्कल ये है हमारा, इसका डायमीटर 50 mm है, लेकिन हमें डायमीटर नहीं, हमें उसका रेडियस यहाँ पे लेना है। तो ये इतना लेंथ हमने दैट इज 25 mm कंपास में ले लिए और अब इतना लेंथ आप ये C1 के ऊपर रखो, देखो 25 mm जो कि रेडियस है वो लेंथ आप C1 के ऊपर रखेंगे, इट मींस पॉइंट उसका C1 पे रखो और ये जो 1 की लाइन आप
दिख रही है, ये जो वन की लाइन आपको दिख रही है, वन की लाइन पे मार्क करो, तो ये वन क्यों सी वन पे रखो और ये वन की लाइन पे मार्क करो, तो ये हमने वन की लाइन पे मार्क करे यहाँ पे। उतना ही लेंथ 25 mm का आप C2 के ऊपर रखो, उतना ही लेंथ 25 mm का आप C2 के ऊपर रखो, ये देखिए यहाँ पे C2 है, उतना ही लेंथ 25 mm का आप C2 के ऊपर रखो और ये जो 2 की लाइन जा रही है ये 2 की लाइन पे कट करो, तो ये 2 की लाइन पे हमने कट करें इस तरह से। उतना ही लेंथ आप C3 के ऊपर रखो, ये देखिए उतना ही लेंथ आप C3 के ऊपर रखो और ये जो 3 की लाइन जा रही है, ये 3 की ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है उसके ऊपर आप कट करो, तो ये इस तरह से। उतना ही लेंथ आप C4 पे रखो, ये देखिए C4 यहाँ पे, उतना ही लेंथ आप C4 पे रखो और ये जो 4 की लाइन जा रही है, 4 का ये जो आर्क जा रहा है, 4 के आर्क पे कट करो, तो ये हमने 4 पे आर्क पे कट करें। उतना ही लेंथ आप C5 पे रखो और ये 5 का ये जो आर्क जा रहा है, ये 5 के आर्क पे आप कट करो, तो ये 5 के आर्क पे हम कट करेंगे, तो यहाँ पे आ गया ये 5th पॉइंट। उतना ही लेंथ आप C6 पे रखो, देखो C6 यहाँ पे, उतना ही लेंथ हमने C6 पे रखे और ये जो 6 का आर्क जा रहा है, ये 6 के आर्क पे ये आप यहाँ पे कट करो, तो ये 6 के आर्क पे ये ओवरलैप होगा, तो ये यहाँ पे। उतना ही लेंथ आप C7 पे रखो, ये देखिए उतना ही लेंथ C7 पे रखो और ये जो 7 का आर्क जा रहा है, ये C7 पे कट करो, तो ये हमने इधर कट कर। उतना ही लेंथ आप C8 के ऊपर रखो, ये देखिए उतना ही लेंथ आप C8 के ऊपर रखो और ये 8 का ये जो आर्क जा रहा है इसके ऊपर आप कट करो, तो ये इस तरह से। उतना ही लेंथ आप C9 पे रखो और ये जो 9 का आर्क जा रहा है उसके ऊपर आप कट करो, तो ये इस तरह से। उतना ही लेंथ आप C10 के ऊपर रखो और C10 के ऊपर रख के 10 के आर्क पे कट करो, ये देखिए ये 10 का आर्क जा रहा है, तो इसके ऊपर आप रखेंगे और ये आप इधर इधर कट करेंगे। उतना ही लेंथ आप C11 पे रखो और ये जो 11 का ये जो आर्क जा रहा है, ये 11 के आर्क पे, ये C11 पे रखो और 11 के आर्क पे कट करो, तो ये यहाँ पे। उतना ही लेंथ आप C12 पे रखो और C12 के ऊपर रखे ये जो 12 वाला अपना आर्क है दैट इज, तो ये इसके ऊपर आप कट करो, तो ये यहाँ पे लास्ट ये आया। तो फाइनली हमने सभी पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं और अब सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम P। यहाँ से आपको स्टार्ट करते हुए यहाँ तक जाना है और ये कर्व ड्रॉ करने के लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज़ करो। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप फ्री हैंड बना सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप हो सके तो फ्रेंच कर्व का यूज़ करो। फ्रेंच कर्व से बिल्कुल स्मूथ आता है, कहीं पे भी जो है वो आड़ा टेढ़ा नहीं होता है, बिल्कुल सही कर्व आता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो फाइनली ये जो कर्व हमारा बन गया, यही है हमारा एपिसाइक्लॉइड। नेमिंग दे देंगे, यहाँ पे नेमिंग देना ज़रूरी है। यहाँ पे पॉइंट पी, स्टार्टिंग पॉइंट पी है, देन यहाँ पे है P1, देन यहाँ P2, P3, P4, P5, देन P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 और यहाँ पे हम लिख लेंगे EP cycloid। तो फाइनली आज के लेक्चर में हमने ये ड्रॉ कर लिया है EP cycloid। EP cycloid ये आपके सामने है। इसका थर्ड पार्ट भी है जो कि है हाइपोसाइक्लॉइड। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़े थे साइक्लॉइड, सेकंड पार्ट ये हमने पढ़े आज एपिसाइक्लॉइड, थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में, वो है हाइपोसाइक्लॉइड। तो नेक्स्ट लेक्चर का ज़रूर वेट करिए। इसके पहले का लेक्चर साइक्लॉइड का अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं स्टडी किए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ अगर आपको हमेशा चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।